standing in the cold, cold rain. I don't even feel the pain. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की जो वीडियो हमारी फिर से होने वाली आर एन फाइव के ऊपर, जिसमें हम लगाने वाले अपनी आर एन फाइव के अंदर पावर पार्ट्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा था, पहले मैंने इसके अंदर लगाया था शार्क फिन मडगार्ड, उसी के साथ में मैंने लगाया था टायर अगर, और गाइस जो उसकी क्वालिटी है और जो उसका रिस्पॉन्स है, काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स है। जबकि आज दिन से लगाया जाए तो 3 दिन हो चुके हैं अपने बाइक के अंदर, ये सब चीज़ें लगाने के बाद में भी कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी मेरे को अभी तक आई नहीं। अगर आ रही होती तो अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर देता मैं। तो आज की वीडियो हमारी फिर होने वाली है आर एन फाइव के पावर पार्ट्स के ऊपर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो पावर पार्ट्स हैं, हम क्या क्या इसके अंदर लगाने वाले हैं। काफ़ी वीडियो अच्छी होने वाली है, आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई भाई अगर ये सामान ऑर्डर करना चाहता है तो स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा होगा, वहाँ से जाके भी आप कॉन्टैक्ट कर लेना। तो क्योंकि हमारे स्टोर का नंबर ये हो, व्हाट्सअप में जाओ आप, आराम से जो भी चीज़ चाहिए स्क्रीनशॉट भेजो और आप लोगों को रेट वगैरह सब गाइस रिजनेबल रेट में आप लोगों को सारी एसेसरीज मिल जाएगी। तो फिलहाल आप लोगों को पहले एसेसरीज दिखा देता हूँ, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर व्हाट्सअप में भेज देना और रेट पूछ लेना भाई कितने का नहीं, सब रेट बता देंगे आप लोगों को। स्टोर पे डायरेक्ट आना चाहते हो तो गूगल लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहाँ से जाके आ करके बिल्कुल आ सकते हो, जिसका आप लोगों को कोई पैसा लगने वाला नहीं है गूगल लोकेशन का। अब आप लोगों को दिखाता हूँ पावर पार्ट्स। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारा इंजन गार्ड है, फ्रंट ऑयल डिस्क कैप है, पॉकेट कवर है, वार्निंग टैग है, यहाँ पर हमारा बार एंड गेट है, यहाँ पर हमारा ऑयल रियर कैप है, ये हमारा थाई पैड्स है, स्क्रू कैप है, ये हमारा वही है, और ये फ्रंट वाली कैप है सेमी स्पीड में, जैसे कि हम लोगों ने पहले लगाया था स्टेयरिंग टी लगाई थी, और ये हमारी आर एन फाइव की स्पेशल एडिशन वाली की कवर। तो आप लोग देख पा रहे हो ये सारी चीजें हैं, और ये देखो गाइस नई चीज और ये क्या है, ये हमारा ऑयल नट जहाँ से आप ऑयल इनलेट करते हैं, वो उसका नट है, और ये सारी चीजें देख लो आप। इन सब चीजों का आप लोगों को गाइस जो रेट वगैरह व्हाट्सएप में पता चल जाएगा। इसी के साथ में अगर आप लोगों को डिफरेंट कलर चाहिए, जैसे इसका ब्लू है, ब्लैक है, गोल्डन है, सिल्वर है, इसमें भी कलर मिल जाएगा, इसका भी कलर मिल जाएगा, इसका भी कलर मिल जाएगा, इसका भी कलर मिल जाएगा, सब चीजों का गाइस कलर मिल जाएगा। ऐसा मत सोचना ये सिर्फ सिंगल कलर में आते हैं गाइस, इसके कलर वेरियंट भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जैसी बाइक वैसा कलर आप लोग चाहो तो लगा सकते हो। तो धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीजें लगा के दिखाऊंगा, और लगने के बाद में लुक देखना गाइस कितना फैंटास्टिक होता है। तो फिलहाल तो लगाते हैं अपनी आर एन फाइव एम के अंदर। सबसे पहले हम लगाने वाले हैं इंजन गार्ड। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये हमने अपनी आर एन फाइव वी थ्री में जो हमारी डार्क नाइट एडिशन वाली थी उसके अंदर भी हमने लगाया था गोल्डन कलर का, अब अपनी आर एन फाइव एम के अंदर भी लगाएंगे, और देखना गाइस लगने के बाद में कितना प्यारा लगेगा। सिंपली आप लोगों ने इंस्टॉलेशन में क्या करना है, ये देखो, पहले नट डालना है, फिर उसके बाद में क्लैंप डालना है, फिर बोगली डालनी है, फिर क्लैंप डालना है, फिर उसके बाद में दूसरी बोगली, फिर देन उसके बाद में आप लोगों ने लगा देना है इसमें नट, और ये कुछ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो इंजन गार्ड हमारा यहाँ पे लगेगा, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंजन गार्ड लगाया जाता है। इसको लगाने के लिए 1 2 3 ये स्क्रू खुलेंगे, देन उसके बाद में हमारा इंजन गार्ड है इसके ऊपर लग जाएगा। तो लगने के बाद में लुक इसका बहुत ज्यादा फैंटास्टिक आने वाला है। तो अब लगाते हैं इसको। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमारे 8mm के 3 बोल्ट है, इसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जिसका साइज गाइस 2 का सेम है, 1 का अलग है, और जिसमें कि आप लोगों को इसमें भी आप लोगों को ऐसे देखने के लिए मिलेगा, 2 का सेम है और बाकी 1 का कुछ साइज है वो अलग है। भोगली जा रही, उठा ले उसको वहां से। तो अपना इंजन कवर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमने इंस्टॉल कर दिया, और फिटिंग देख लो जबरदस्त आई है, और साइड वाइड से हर तरीके से आप लोग देख सकते हो। सो बारी आती है चेंज पॉकेट कवर लगाने लिए फ्रंट वाला, तो गोल्डन में ये भी हमारा, तो अब इसको इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमने इसका चेंज पॉकेट कवर इसका लगा दिया, अब इसके अंदर से देखो अपनी चेन है वो भी दिखेगी, और इस पॉकेट है छोटा वाला वो भी दिखेगा। ऊपर हमने 2 स्क्रू खोले, ये लगा दिए, और ये वाला खोला, ये लगा दिया, और देख लो कितना इजी प्रोसीजर होता है इसको लगाने का, और आप देख पा रहे हो कितना सही दिख रहा है। अब इसके बाद में हम नट कवर हैं जिसके ऊपर बाइक के ऊपर के वो लगा देंगे जितने के ऊपर हैं। सो अब ये नट कवर आप लोग देख पा रहे हो, अब ये नट कवर प्लास्टिक के नट कवर होते हैं, आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी नट पे। इसमें साइज़ मिल जाएगा आपको 8 का 13 का 12 का 10 का, और ये भी 10 का साइज़ है देख लो। अब जितने भी हमें दिखेंगे हम उन सब में इनको लगा देंगे, बाकी अगर बचेंगे तो इसको अपनी जेब में रखो और जब काम में आए इसको वापस लगा लो। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर हमने नट कवर है वो लगा दिए, ऊपर के इधर के इधर के इधर के, और यहाँ पे भी लग गए। अगर ये कवर ना होता तो हमारे यहाँ पे भी लग जाते, और बाकी आप लोग ऊपर भी देख सकते हो तो ऊपर भी लगा दिए, जहाँ जहाँ हमने दिखा वहाँ पे हमने इसको सबको इंस्टॉल कर दिया है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर ये लग चुका है, और ये देखो
भाई अपना एक्सीलेटर भी वो भी काम कर रहा है, हमने पुराना वाला निकाला उसके बजाय हमने ये लगा दिया, और ये देखो कितनी प्यारा लग रहा है, तो बढ़िया सा लग गया। अब लगाते दूसरी साइड वाला भी सेम इसी तरीके से लगेगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैंने दोनों साइड का हैंडल वेट लगा दिया, और देखो लगने के बाद में कितना कूल लुक इसके अंदर से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा भाई, मतलब काफ़ी अच्छा लुक इसमें से देखने के लिए मिल रहा है। अब बाकी की चीज़ें हैं, टैंक ग्रिप है, टैंक ग्रिप लगाते हैं, और एक दो चीज़ और हैं जैसे कि अपना फ्लूट कैप है पीछे वाला, इसको भी लगाते हैं। फिर हमारा जो लास्ट बचता है की कवर, की कवर भी हम इसके अंदर गोल्डन अप लगा देंगे। सो बाकी की हमारी जो छः चीज़ें बचती है, थाई पैड बचता है, वार्निंग टैग रखता है, ऑयल नट रहता है, फ्लूट कैप रहती है, और आगे की कवर, और एक अपना जो फ्रंट डिस्क कैप है वही हमारा सेम स्पीड वाला, जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हो सेम स्पीड रहेगा। अब इन चीज़ों को लगाने के बाद में आप लोगों को फाइनल लुक है वो दिखा दूंगा, क्योंकि चीज़ को लगने के बाद में जो बाइक का जो लुक है गाइस बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। तो लगाते हैं फिर सब चीज़ें। सो अपनी पीछे वाली फ्लूट कैप है वो भी लग गई है, और देखो गोल्डन बहुत सही लग रहा है। बाकी इस पर R15 V3 लगा हुआ है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लुक काफ़ी सही है इसमें देखने के लिए मिलता है। How are you acting so surprised? Haven't you seen it in my eyes? So अपनी डिस्क कैप है वो भी लग चुकी है, देखो गाइस कितनी प्यारी लग रही है। सेम स्पीड का ये जो कलर है इसके साथ में मैच, और ये कलर इसके साथ में मैच है, बहुत बढ़िया। अब लगाते हैं की कवर, तो पहले वाला ब्लू लगा रखा था, अब इसको चेंज करके हम लगाएंगे गोल्डन। तो पहले ऐसे लुक आता था, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो अभी वाला लुक में आ रही है, तो कमेंट करके बताना आपको कौन सा वाला लुक अच्छा लग रहा है, पहले वाला या आप जो नया वाला आ रहा है तब। और दोनों में आप लोगों को कलर वेरिएंट मिल जाएंगे, इसमें भी आप लोगों को काफ़ी कलर मिल जाएगा, इसमें भी कलर मिल जाएगा, लुक आपके सामने दोनों का। सो गाइस अपना जो थाई पैड्स है वो भी लग चुका है, और देख लो भाई पकड़ देख लो, बहुत ही सही पकड़ आई हुई है। तो अगर बात करी जाएगा इस फिटिंग की, आप लोग फिटिंग भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही आई हुई है। मतलब जब आप अपनी बाइक को लीन करोगे, आपके जो पैर वगैरह इसके ऊपर से स्किड नहीं करेंगे, और आपकी स्पीड में भी बाइक में भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं अपना हाथ भी कर रहा हूँ, इवन ये भी अपना आगे की तरफ नहीं हो रहा, मतलब ये कह लो कि अपनी बाइक के साथ में बिल्कुल सही मैच है, और उसी के साथ में आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है ये जो हमारा थाई पैड्स है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जिसको भी कुछ भी सामान खरीदना हो तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किन पे नंबर आ रहा होगा वहाँ से जाके भी आप बाय कर सकते हैं। तो ये हमारा थाई पैड्स एंड ऑफ द लिस्ट, ये हमारा नट कवर है, ऑयल नट कवर। अब इसको लगाने की बारी आती है, आखिरी में हमारा सिर्फ ये रह गया, बाकी हमारी जितनी भी एक्सेसरीज थी सब लग गई हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हमारा ऑयल नट है वो भी लग चुका है, और भाई देखो कितना प्यारा लग रहा है, अब कोई इसको हाथ से नहीं खोल सकता, जब तक आप इसको इस तरीके से ना करोगे तो नो क्लास से ही अपने जो ऑयल नट है वो खुल जाएगा, और बाकी आप चीज़ देख पा रहे हो। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अपनी R15 M है पूरी कंप्लीट, एसेसरीज इसके अंदर स्टैंड लग चुकी है, जो हमने अभी लगाई थी वो सारी चीज़ें लग चुकी है, और हमने जो टैग है इसका यहाँ पे लगा दिया, और उसी के साथ में हमने दो चीज़ें ऐड नहीं करी है, एक इसका टैंक पैड जो देखो इसका लिड का गैप है, और एक नीचे फोक्स लैडर कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर, और देखो अपनी बाइक है कुछ इस तरीके से देखने के लिए आप लोगों को दिखती है। कॉमेंट करके बताइए आप लोगों को ये सारी चीज़ें कैसी लगी कैसी नहीं, और ये सब चीज़ें बाय करनी हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो गाइस आप लोगों ने देख ही लिया फाइनली अपनी बाइक के अंदर R15 M के अंदर सारी कंप्लीट एसेसरीज उस टाइम की वो लग चुके हैं, और कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोगों को एसेसरीज है किस तरीके से लग रही है। अगर भाई कोई ये सामान ऑर्डर करना चाहता है तो हमारी वेबसाइट है technofanstore.com, और कोई अगर हमारे स्टोर पर आके लगवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा, बाकी अपना स्टोर पीछे है। तो गाइस सामने की तरफ आओगे तो अपना स्टोर साइड में आप लोगों को दिख जाएगा, जिसपे आप लोगों को सारी बाइक की एसेसरीज मिल जाएगी, R15 से लेकर KTM हो या बजाज की कोई सी पल्सर हो या स्प्लेंडर हो एक्टिवा हो, सबकी एसेसरीज अवेलेबल हो जाएगी अपने टेक्नोफन स्टोर पे। तो गाइस बस यही था आज की इस वीडियो में, होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्द आपके साथ में एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।